वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टू द फर्स्ट सेमिस्टर प्रैक्टिकल क्लास। सो आज हम प्रिपेयर करने वाले हैं जो कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा सिंपल सिरप अकॉर्डिंग टू आई। सो पहले ये सिंपल सिरप पढ़ने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि सिरप क्या होता है। तो सिरप एक लिक्विड प्रिपेरेशन है जो कि बहुत ही स्वीट, विस्कस एंड कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है। तो ये सिरप थ्री टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है सिंपल सिरप, दूसरा है मेडिकेटेड सिरप एंड तीसरा है फ्लेवर्ड सिरप। ये सिंपल सिरप जो होता है इसमें ओनली सुक्रोज एंड वाटर ही रहता है। जो मेडिकेटेड है इसमें मेडिसिन का मतलब ड्रग का अमाउंट कुछ रहता है। यहाँ पे सुक्रोज, मेडिसिन एंड कोई लिक्विड रहता है जैसे कि हमारा वाटर यूज करते हैं। और फ्लेवर्ड में एक फ्लेवरिंग एजेंट रहता है, मेडिसिन की जगह हम लोग यहाँ फ्लेवर यूज करते हैं। जो हमारा आज का प्रिपेरेटरी फार्मूला है वो है सुक्रोज एंड वाटर को लेके हम लोग सिंपल सिरप रेडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑफिशियल फार्मूला जो कि आईटी में दिया हुआ है, इंडियन फार्माकोपिया में दिया हुआ है, वो है सुक्रोज का अमाउंट 66.7 ग्राम एंड प्यूरिफाइड वाटर का होता है आपको 100 ml। जो कि 100 ml हम प्रिपेयर करने वाले हैं उसमें 66.7 ग्राम का एक सुक्रोज अमाउंट रहेगा। जो कि हम प्रिपेयर आज करने वाले हैं वो 30 ml का करने वाले हैं। 100 ml जो दिया हुआ है वो आईटी में दिया हुआ है लेकिन इसको बेस करके हम लोग 30 ml का एक प्रिपेरेशन करेंगे जो कि सुक्रोज 20.01 ग्राम है एंड प्यूरिफाइड वाटर हम लोग 30 ml का लेना है। तो दिस इज फॉर टुडे प्रैक्टिकल क्लास। आज हम लोग देखने वाले हैं कैसे कि हम लोग ये प्रिपेयर करते हैं 30 ml का सिंपल सिरप। ये जो तुम्हारा है ये तुम्हारा बैलेंस है, तो बैलेंस में हम क्या करेंगे, ये तुम्हारा केमिकल लेंगे, इसका नाम है सुक्रोज। तो सिरप करने के लिए सुक्रोज चाहिए और एक ठो चाहिए तुमको ये डिसलॉटर है, ये दोनों को मिला के हम सिरप तैयारी करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, जो भी लेना है ये जो तुम्हारा बैलेंस है, बैलेंस में लेके सुक्रोज तुम्हारा जितना भी ज़रूरत है 30 ml के लिए, सुबह 20.01 ग्राम लेना है हमको और इसको वहाँ यहाँ वेट करना है। तो पहले क्या करेंगे, इसको जो वेट करना है तो ये वेट करने के लिए एक जो ग्लास अपराट्स ले लिया है, तो इसको पहले टेयरिंग करेंगे, जीरो करेंगे इसको ऐसे प्रेस करके। इसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो केमिकल चाहिए सुक्रोज इसको लेके वेट करेंगे तुम्हारा 20.01 ग्राम। अभी देखो ये तुम्हारा मैं ले लिया हूँ सुक्रोज जो केमिकल यूज होता है, तो 20 ग्राम अराउंड हो गया है तुम्हारा। ये तुम्हारा हो गया 20 ग्राम अराउंड हो गया। तो अभी क्या करेंगे, हम सिरप बनाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, एक तो बिकर लेंगे, इसको बिकर बोलते हैं, और ये एक तो मेरी सेंटर इसको बोलते हैं। तो जितना भी हमको वाटर चाहिए प्रीफर्ड वाटर हम ले लेंगे, पहले थोड़ा कम लेंगे और यहाँ पे डालेंगे ऐसे। और ये तुम्हारा गैस जल रहा है सर, ये बर्नर जल रहा है। तो अभी क्या करेंगे, अभी सुक्रोज यहाँ डाल देंगे। सुक्रोज धीरे डाल देंगे इधर और इसको ऐसे स्टायर करेंगे, स्टायर मतलब ऐसे घुमाएंगे इसको मिलाने के लिए। जितना भी सुक्रोज चाहिए हमको यहाँ बिकर के अंदर डाल देंगे। इसके बाद हम इसको मिलाएंगे ऐसे धीरे धीरे करके घुमाएंगे, इसको स्टायरिंग करेंगे। हम एक ठो कॉटन लेंगे और इसको थोड़ा ऐसे स्प्रेड करेंगे, इसको एक ठो फिल्टर करने के लिए। तो हम ये सिरप जो है यहाँ हम लेके फिल्टर करेंगे, तो इसको
एक तो फनल मिलेंगे, इसको ऐसे डालेंगे, इसे रखेंगे इसको, और इसके बाद क्या करेंगे, इसको एक तो मेजरिंग सिलेंडर में, ये मेजरिंग सिलेंडर लेके ऐसे यहाँ रख देंगे और इसको फिल्टर कर देंगे। फिल्टर क्यों करते हैं कि जितना भी तुम्हारा फॉरन पार्टिकल है सब यहाँ। अभी क्या करेंगे, इसको यहाँ ऐसे डालेंगे पटन के ऊपर, इसको बोलते हैं फनल, बोलते हैं ग्लास फनल, और इसको यहाँ डालेंगे ऐसे, तो धीरे धीरे ये फिल्टर होता जाएगा। जितना भी फॉरन पार्टिकल सब यहाँ रह जाएगा, ऊपर ऊपर रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। ये तुम्हारा फिल्टर हो गया। अभी देखो तुम्हारा जितना भी वॉल्यूम है, देखो 30 ml नहीं हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, हम वॉल्यूम मेकअप करेंगे। नेक्स्ट जितना भी वाटर बचा है उसको ले, वाटर ले लेंगे और यहाँ मिलाएंगे ऐसे, एक जो बिकर में थोड़ा सा वाटर लेके इसको ऐसे ट्रांसफ़र कर देंगे मेजरिंग सिलेंडर में। हमारा 30 ml हो गया। देखो इसको फिर धीरे धीरे एक तो बिकर में ट्रांसफ़र कर देंगे इसको। अभी क्या करना है, इसको एक तो बोतल में लेके रखना पड़ेगा तुमको। हाँ, अभी क्या करेंगे, हम जो सिरप बनाए हैं इसको एक तो बोतल लेंगे, मेडिकेटर बोतल जो है रहे हैं, इसको देखो ऐसे पोर कर देंगे यहाँ। तो ये 30 ml तुम्हारा जो है यहाँ ले लिए हम। अभी हम क्या करेंगे, इसको फिर लेवलिंग करेंगे। लेवलिंग इसको आप बंद करेंगे, ढक्कन बंद कर देंगे इसका। तो अभी इलेक्ट्रो लेवल लेवलिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता चलेगा ये क्या है। तो लेवलिंग करने के लिए पहले क्या करेंगे, तो पीस ऑफ पेपर लेंगे इसको, इसको काट के फिर यहाँ लिखो, कैसे लिखे हैं देखो, सिंपल सिरप 30 ml और इट कंटेंस जितना भी, सपोज तुम्हारा जितना भी चाहिए केमिकल लिए हो तुम प्रिपरेशन करने के लिए, सबको यहाँ लिखना पड़ेगा ऐसे। इट कंटेंट सुक्रोज 66.7% WRW लेते हैं। इसके बाद प्रीफर्ड वाटर लिखेंगे और स्टोरेज, स्टोरेज ज़रूरत है, तुम जहाँ इसको स्टोर करोगे तो इसको लिखना पड़ेगा इधर। देखो कीप इन ए कूल एंड डार्क प्लेस, तो इसका फिर लिखेंगे यूज। इसका यूज क्या है, फार्मास्यूटिकल एड होता है, तो डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जो होता बनता है, सिरप बनता है, जो भी लिक्विड प्रिपरेशन बनता है, तो उसको बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एड बोलते हैं इसको। तो सिरप को डालते हैं इधर, और मेडिकेटेड सिरप, ये नॉन मेडिकेटेड सिरप है, यहाँ तुम्हारा कुछ मेडिसिन दिए नहीं दिया गया है। तो एक तो और डिफरेंट पार्ट है, देखो लाइसेंस नंबर है PCB, एक तो लाइसेंस नंबर दिया जाता है और एक तो बैच नंबर दिया जाता है, और ये मैनुफैक्चरिंग डेट भी लिखा रहता है देखो, और ये तुम्हारा एक्सपायरी डेट भी है, एक साल बाद लिखते हैं इसको। लास्ट में तुम्हारा रहता है MRP, मैक्सिमम मिनिमम रिटेल प्राइस जो तुम्हारा है, RS लिखना पड़ेगा तुम्हें। तो ये हो गया तुम्हारा लेवलिंग। तो अभी क्या करेंगे, लेवलिंग को लेके यहाँ ऐसे चिपका देंगे गम से। अभी तुम्हारा सिरप हो गया, तुम्हारा हो गया।